So, was your grandfather and generation before taking medicine? क्या आपके दादा दादी नाना नानी उसकी एक जनरेशन पहले दवाइयों पे जीते थे क्या? इसका मतलब आपका शरीर बॉडी इज हैज सफिशिएंट मैकेनिज्म टू टेक केयर ऑफ इटसेल्फ टिल यू लिव. जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपका शरीर आपका ध्यान रख सकता है. अगर उसके ध्यान रखने के मैकेनिज्म को आप स्ट्रांग करके रखें, इफ द रिकवरी मैकेनिज्म इज स्ट्रांग, योर बॉडी कैन कम आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ एन इश्यू एंड योर मेडिसिन कैन ग्रो. आप सच में बताइए मुझे, क्या आप दवाई लेके जीने के लिए डिजाइन हुए थे क्या? क्या आप दवाई लेके जिंदा रहने के लिए डिजाइन हुए हैं क्या? आपका शरीर दवाइयों के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ. जो मेजर आपकी प्रॉब्लम है, इट इज ड्यू टू मेडिसिन, नॉट बिकॉज योर बॉडी हैज मेनी मेनी प्रॉब्लम्स. नो, मेनी ऑफ द डिफिकल्टीज दैट यू आर फेसिंग इज बिकॉज ऑफ मेडिसिन. तो अगर आप आज ह्यूमैनिटी जिंदा है, सो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ मेडिसिन. डिस्पाइट ऑफ मेडिसिन द बॉडी इज एबल टू रिकवर. तो प्लीज पैट योर बैक, अपने शरीर को थोड़ी शाबाशी दे दो कि आपने केमिकल बॉम्बिंग इतने करने के बाद भी आज जिंदा बैठे हैं. ठीक है ना? तो एवरीबडी कैन कम आउट ऑफ मेडिसिन. स्वामी जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई डू नॉट हैव एनी बीपी इश्यू, बट देर इज अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक. ओके, सो विल दिस कुंभक थेरेपी हेल्प? हाउ फार योर हिस्ट्री गोज. हमारा देश तो, अगर आप इसको बहुत ही कम उम्र भी डालें इसकी, तो भी ये 15-20 हज़ार साल जाता है. आपकी हिस्ट्री कितनी है जरा देखते हैं. हार्ट अटैक की क्या 3 जनरेशन पहले जाती है? 3 जनरेशन पहले क्या ये हिस्ट्री जाती है आपकी? हार्ट अटैक की पूछ रहा हूं. ये तो 2 जनरेशन में ही देख रहे होंगे ज्यादा से ज्यादा. आए ना, आप लोग समझदार लोग हैं ना, तो आपको कुछ भी बता दिया जाता है तो उसको ऐसे मानने की जगह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें. आपको जब बोला जाता है कि आपकी हिस्ट्री है साहब, और मैडम आपकी हिस्ट्री है आपके परिवार में है, तो कितना पहले तक था ये आपको देखना पड़ेगा. ये 2 जनरेशन पहले तो था नहीं, तो आपने इसको हिस्ट्री कैसे बना दिया वो भी क्वेश्चन मार्क है, उस पर बड़ा डिबेट हो सकता है. अब सवाल ये है, क्या आप अपने को प्रोटेक्टेड रख सकते हैं? क्या प्रिवेंशन पॉसिबल है? हाँ, असली सवाल क्या है कि क्या प्रिवेंशन पॉसिबल है, क्या बच सकते हैं इससे? तो ये केवल हिस्ट्री की ही बात नहीं, क्या हमने अपना फूड बदल दिया, भोजन बदल दिया? जेनेटिकली मॉडिफाइड, प्रोसेस्ड, हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, क्या वातावरण हमने बदल दिया? क्या इसी वातावरण के लिए डिजाइन हुआ था हमारा शरीर? तो आपने वातावरण नया दे दिया, भोजन नया दे दिया, क्या आपका बॉडी एडजस्ट नहीं करेगा इस नए वातावरण के लिए? जब आप किसी और इलाके में जाते हैं तो आपका शरीर उस मौसम के लिए एडजस्ट करता है ना, अडेप्टेशन करता है, एक्लिमेटाइजेशन करता है ना. तो अभी जो आपका ब्लड प्रेशर या डिफिकल्टी है, क्या वो एडजस्टमेंट नहीं है? शुगर लेवल बढ़ रहा है या ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, क्या वो एडजस्टमेंट नहीं है? क्या वो अडेप्टेशन नहीं है? आप उसे डिजीज क्यों बोल रहे हैं? तो पहली बात, अगर आपको सिम्टम नहीं है तो डिजीज नहीं है. दूसरी बात, क्या आगे चल के आपके सिम्टम ना आए ऐसा कुछ कर सकते हैं? क्या प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं? तो उसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा जड़ में जाना पड़ेगा. ठीक है ना? और मैं बड़ी आसानी से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सभी समझ सकते हैं इस बात को. ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज किस की बीमारी है, किस चीज की बीमारी है? आपको बताया जाता है कि ये ब्लड प्रेशर हो गया,
ये हार्ट डिजीज हो गया है, तो आपका इलाज कर दिया जाता है, तो क्या दुनिया में ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज कम हो गया उसकी वजह से? क्या 100 साल में एक इंसान का भी इलाज हुआ है? पहले बात ये देखिए, तो जो नैरेटिव आपका बताया जा रहा है वो नैरेटिव ही गलत है। 100 साल में एक इंसान का भी इलाज नहीं। 100 साल में ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज नंबर वन कॉज ऑफ डेथ बन गया, तो आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे ये बढ़ रहा है दुनिया में। ये तो प्रूफ है ना, डेटा आपको बता देगा, उठा लीजिए गूगल से उठा लीजिए नंबर्स, पता चल जाएगा। तो इसका मतलब कुछ किसी और तरीके से हमको समझना पड़ेगा कि ये ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज प्रॉब्लम किस चीज का है। अब मैं आपको एक कंपैरिजन करने के लिए बोल रहा हूं। आपके दादा में, दादा नाना दादी नानी याद होंगे, उनमें और आप में फर्क क्या है? एक फर्क बता लेंगे तो आप इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं, इससे बचे रह सकते हैं। आपके दादा दादी नाना नानी, आपके एंसेस्टर्स में, पुराने दो जनरेशन पहले और आप में फर्क किस चीज का? एक फर्क बता दीजिए। और पता है क्या है? उनकी शरीर से जोर लगाने की क्षमता ज्यादा थी, आपकी बहुत कम हो गई है। सीधा सीधा, बाकी सब अभी साइड में रख देते हैं। उनके शरीर की जोर लगाने की क्षमता और आपके शरीर की जोर लगाने की क्षमता में जमीन आसमान का अंतर आ गया। तो अगर आप अपनी जोर लगाने की क्षमता बढ़ा लेंगे तो आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, ये गारंटी है। मगर जोर कैसे लगाते हैं पहले तो ये समझना पड़ेगा। जोर कैसे लगाते हैं? बिना सांस रोके आप जोर नहीं लगा सकते। खींचना, पुश करना, जंप करना, वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, सीढ़ियां चढ़ना, डांसिंग, सिंगिंग, ये कैसे करते हैं आप? ये जितने भी जोर कैसे लगाते हैं? अलग अलग अनुपात में सांस रोकते हैं। तो जोर लगाने की क्षमता कम हो गई है, तो कौन सी क्षमता कम हो गई आपकी? आपकी सांस रोकने की क्षमता कम हो गई है। उस पर काम नहीं करेंगे तो ये रुकने वाला नहीं है सिलसिला। कितना भी ऑपरेशन, एक स्टेंट लगा, दूसरा लगेगा, तीसरा लगेगा, दो हार्ट अटैक के बाद तीसरा आने ही वाला है, कभी भी आ जाएगा। आजकल तो एक में ही खत्म हो रहा है इंसान। लेकिन अगर आपकी कुंभक कैपेसिटी ज्यादा होगी तो तीन तीन हार्ट अटैक भी झेल जाएंगे एक दिन के अंदर। हमारे पास ऐसे केसेस हैं। आपका रिस्क केवल कुंभक से कम होगा। बाकी इस बात को आज समझिए, 5 साल बाद समझिए, 10 साल बाद समझिए, समझना यही पड़ेगा। मगर 10 साल के बाद कितने लोग होंगे हमें पता है। तो अगर प्रिवेंशन करना है तो एकमात्र उपाय, ज्यादा एक्सरसाइज करोगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा? आज के टाइम पे बिना बीमारी के लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। गुजरात में एक स्टडी की गई 2023 में, तकरीबन 1300 हार्ट अटैक्स ऐसे आए थे यंगस्टर्स को जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो आपका हार्ट वीक हो गया है। ज्यादा एक्सरसाइज करोगे, वेट एक्सरसाइज करोगे तो वो गिवअप भी कर सकता है। लेकिन बैठे बैठे अगर आपको हार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो कुंभक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो क्या आप, ये प्रिवेंशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अभी प्रिवेंशन के नाम पे जो लाइफस्टाइल चेंज बता रहे हैं ना, उसमें तो आपकी लाइफ को बिल्कुल ही बदलने की कोशिश की जा रही है कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये ऐसा काम करना है, वैसा नहीं करना, स्ट्रेस कम लीजिए, काम ही मत करो, पढ़ाई मत करो, बच्चों को तो है ना स्ट्रेस आ जाता है तो काम ही नहीं करना। ये तो कोई लाइफस्टाइल चेंज करने का तरीका नहीं है ना। वातावरण से भाग के कहाँ जाएंगे? दूसरा ग्रह तो है नहीं हमारे पास। तो अपने अंदर टॉलरेंस बिल्डअप करना पड़ेगा। टॉलरेंस कुंभक से ही बिल्ड होता है। एफर्ट मेकिंग मैकेनिज्म कुंभक, आपका कुंभक ही एफर्ट मेकिंग मैकेनिज्म है। अगर उसको आप इंप्रूव कर देंगे तो आप प्रिवेंशन की तरफ में जाएंगे, रियल प्रिवेंशन की तरफ। स्वामी जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई हैव 25% LVEF. डॉक्टर हैज सेड नो टू एक्सरसाइज, नथिंग. व्हाट शुड आई जॉइन? अगर आपके लंग्स में प्रॉब्लम है, सांस लेने में तकलीफ आती है तो सांस ना लें। ये क्या डायरेक्शन है? ये क्या सजेशन है?
आप मुझे बताइए, आपको जोर लगाने में तकलीफ आ रही है तो जोर ही मत लगाओ। नहीं, आपको हिलने में तकलीफ आ रही तो हिलना ही नहीं, सांस लेने में तकलीफ आ रही तो सांस ना लें। ये बेसिकली सुसाइड करने के का एक मतलब कहते हैं ना, वो हल्के से बोलने वाला तरीका है कि भैया सुसाइड कर लो, और आप इसको सजेशन मानते हैं। इजेक्शन फ्रैक्शन कम है तो काम ही नहीं करना आपने। अरे बढ़ जाएगा इजेक्शन फ्रैक्शन, कुंभक करो बढ़ जाएगा, हमारे यहां बढ़ जाता है इजेक्शन फ्रैक्शन। बड़े बढ़ाओ और खूब काम करिए, खूब अच्छे से अपनी जिंदगी जिए। मतलब जिंदगी जीने को ही रेस्ट्रिक्ट कर देना कोई इलाज होता है क्या? आप चल नहीं पा रहे, एक पाँव में कमजोरी फील आ रही है, तो एक काम करें, पाँव से आप चलना बंद कर दें जिंदगी भर, क्या वो इलाज हो गया? क्या आप उसके पाँव स्ट्रांग हो जाएंगे आपके? शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए तो ये सजेशन चलो ठीक है, रिकवरी एक हफ्ते में हो जाएगी, एक हफ्ता थोड़ा रेस्ट कर लो, ये समझ में आती है बात। मगर इजेक्शन फ्रैक्शन कैसे बढ़ेगा आपका? बढ़ाने का कोई तरीका ही नहीं है, मेडिसिन से तो नहीं बढ़ने वाला ये कुंभक से बढ़ जाएगा, आसानी से बढ़ जाएगा। Amit ji is asking, I had tachycardia event while doing workout last year. Since then, I have not had any major event, but I still have anxiety and fear. My all blood work comes to be normal, but I still suffer from fear and आज anxiety. के टाइम पे एंजाइटी और फियर बहुत लोगों में बढ़ रहा है, उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आप क्या करें अपनी लाइफ में वो आपका डिसीजन है, लेकिन आपको समझना ज़रूरी है, तभी आपकी लाइफ सही होगी, वो भी अपनी बुद्धि से समझना ज़रूरी है। अगर आप पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालेंगे तो इंजन अच्छा रहेगा, खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा ना। तो पेट्रोल की गाड़ी में डीजल हम नहीं डालते, ना ही डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं। मगर क्या आपका शरीर केमिकल के लिए डिजाइन हुआ था? केमिकल इंटेक के लिए डिजाइन हुआ था? नहीं, तो आप केमिकल खा रहे होते हैं ना, ये सारी पेड़ों में लगे होते हैं ऐसे, आपकी टैबलेट्स इंजेक्शन सारे निकाल तोड़ तोड़ के लगाते रहते अपने आप को। आपका शरीर जब केमिकल के लिए डिजाइन नहीं हुआ, और बचपन से जब आप पैदा हुए थे इम्यूनाइजेशन के नाम पे कितने केमिकल्स आपके शरीर में डाले गए, और हर एक के घर में दवाइयों का पोटरी पड़ी होगी ना, आजकल बढ़ती जा रही है कि नहीं है? तो आपका शरीर जिस चीज के लिए डिजाइन नहीं हुआ, उसको आप जिंदगी भर केमिकल से बॉम्बिंग कर रहे। तभी मैंने कहा इतनी बॉम्बिंग के बाद भी अगर आप बचे हुए हैं तो कभी तो अपने शरीर को शाबाशी दे लो कि उसने आज तक बचा के रखा है आपको। मगर गिवअप तो करेगा ना कभी ना कभी, कभी ना कभी इस टॉर्चर से वो गिवअप कर दे। तो रिस्क में आता है शरीर जब भी इसके लिए जो चीज नहीं बनी हुई वो आप डाल दें, तो आपका शरीर रिस्क में आता है। जो भोजन भी नहीं पहचान पा रहा आजकल, तो आपका शरीर सांस भी जो ले रहे हैं ना, उसमें हवा की कॉन्स्टिट्यूएंट इंग्रेडिएंट्स चेंज हो चुके हैं, तो आपका शरीर रिस्क में आता है। जब ये रिस्क में आता है तो एड्रिनल एक्टिविटी को थोड़ा बढ़ाता है, इसे कहते हैं एड्रिनल ओवर एक्टिविटी, और उससे आपके शरीर में बीपी बढ़ने वाले, हार्ट रेट बढ़ने वाले, शुगर बढ़ने वाले एंजाइम्स एंड हार्मोन रिलीज होते हैं, क्योंकि बॉडी उसको हैंडल करने की कोशिश कर रहा है। आपका ब्लड प्रेशर गलत नहीं है, क्योंकि आपका शरीर कभी भी कुछ गलत नहीं करेगा आपके साथ में, ये शरीर जीना चाहता है। आप जीना चाहते हैं कि नहीं, क्वेश्चन मार्क, डिबेट हो सकती है उस बात, लेकिन आपका शरीर जीना चाहता है, कोई डिबेट नहीं है इसमें। तो वो जो भी करेगा वो प्रोटेक्टिव होगा, आपको बचाने का नियम होगा।
ये एड्रिनल ओवर एक्टिविटी, ब्लड प्रेशर, शुगर का बढ़ जाना, ये प्रोटेक्टिव है आपके शरीर के लिए। इसको कम करेंगे तो ऑर्गन डैमेज हो जाएंगे आपके। दरअसल आप एक आइडिया के तहत जो शरीर को संभालने का काम कर रहे हैं वो ही आपके शरीर को डैमेज कर रहा है। आपका शरीर कभी भी नुकसान नहीं करता। तो जब आप भोजन करते हैं तो रिस्क में आ जाता है, जब आप दवाई खाते हैं तो रिस्क में आ जाता है, जब आप पढ़ाई के लिए स्कूल जाते हैं तो रिस्क में आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपने कितना इस्तेमाल किया जो पढ़ाई किया स्कूल में, कितना इस्तेमाल किया लाइफ में उसका? 1%। तो आपका जो आज का काम है, जॉब वाला इकोसिस्टम, वो आपको रिस्क में ले आता है, कॉर्पोरेट कल्चर आपको रिस्क में ले आता है, हर चीज तो रिस्क ही बना रही है, लेकिन आपने टॉलरेंस बिल्ड नहीं किया, झेलने की क्षमता बिल्ड नहीं की अपने अंदर। रेड लाइट पे जाते हैं, बच्चे भीख मांगने आते हैं, वो हर मौसम में वहीं मिलेंगे आपको, और अच्छे सोसाइटी में रहने वाले बच्चे जरा सा बारिश हो गई बाहर जाएंगे तो सर्दी जुकाम हो जाएगा। टॉलरेंस कम हो गया। सबसे पहली चीज, आपको अगर बचना है इस वक्त में, कोई दवाई नहीं बचा सकती, स्टैम्प पेपर पे लिख के रख लीजिए, ये हार्ट अटैक का एपिसोड बढ़ेगा दुनिया में, बहुत बढ़ेगा। 80% प्रॉब्लम क्रॉनिक डिजीज होते हैं, एक भी तो कम नहीं हो रहा। डायबिटीज कम हो रही है क्या? ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज कम हो रहा है? कैंसर 12% के रेट से बढ़ रहा है। थायराइड 25 साल पहले सुना भी नहीं होगा आपने थायराइड। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पता नहीं। मेंटल इशू तो बात ही मत करिए, 10 में से 8 लोगों को तो मेंटल इशू है। उसको आप किसी भी तरीके का नाम देते हैं, स्ट्रेस, डिप्रेशन, या फिर एंजाइटी, या कोई भी नाम देते हैं। टैकीकार्डिया कब होगा? जब आपका शरीर झेल नहीं पा रहा किसी लोड को। टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया तभी तो होगा। तो टॉलरेंस कैसे बिल्ड करेंगे अपने शरीर में? टॉलरेंस बिल्ड कर लीजिए, ठीक हो जाएगा, बहुत आसानी से ठीक हो जाएगा। हमारे पास ऐसे केसेस हैं, कुंभक करने के बाद में उनकी एंजाइटी गायब भी हो जाती है लाइफ से। दवाइयां लेते रहते हैं और दवाई छूट जाती है। तो टॉलरेंस कैसे बिल्ड करेंगे? एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल समझिए, एक्सपेरिमेंट करो, आपको समझ आएगा। 10 किलो का वेट उठाओ, कैसे टॉलरेट करते हैं, झेलते कैसे हैं? सांस रोक के उठाते हैं कि नहीं? 20 किलो उठाना हो तो सांस रोकने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। तो स्ट्रेस सिचुएशन में नहीं होता, एक ही सिचुएशन में 10 लोगों को डाल दो, क्या सभी को स्ट्रेस होगा? सभी को टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया होगा? नहीं होगा ना। तो सिचुएशन का दोष नहीं है, आपकी झेलने की क्षमता नहीं है। आप अपनी झेलने की क्षमता बढ़ा लीजिए, कोई स्ट्रेस नहीं होगा, किसी भी सिचुएशन में स्ट्रेस नहीं होगा। बाकी आप कुछ भी दिमाग में, ये स्ट्रेस ऐसे होता है, इसकी बाहर देखना बंद कीजिए, अंदर देखना शुरू कीजिए, प्रॉब्लम आपकी है। एनवायरनमेंट तो आप नहीं बदल सकते ना भाई, कौन से दूसरे पृथ्वी पे जाएंगे, कोई है ही नहीं, हमने ही तो बदल दिया वातावरण को, हमने ही तो फूड को चेंज कर दिया। तो आप झेलने की क्षमता तो बढ़ाएं उसकी, फिर वो प्रॉब्लम नहीं होगा। सॉल्यूशन आपके पास में है, बाहर नहीं है, और सारा सॉल्यूशन हम बाहर ढूंढ रहे हैं, प्रॉब्लम यहां। स्वामी जी, राकेश आहूजा जी पूछ रहे हैं, आई एम 70 ईयर्स ओल्ड, आई हैव सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एंड लॉट ऑफ पेन अलोंग विद हाई बीपी, शुड आई डू दिस प्रोग्राम बिकॉज ऑफ माय एज? 17 ईयर्स, 70 70, 70। आप एक बात मान के चलिए, अगर आप देखेंगे भी तो जवानी से बुढ़ापे में एंटर करते करते ये जो टाइम पीरियड बिताया आपने, क्या लूज किया अपने शरीर में? आपने बेसिकली एफर्ट मेकिंग एबिलिटी ही तो लूज की है ना। आप जवानी से बुढ़ापे में जो एंटर करे, जो टाइम पीरियड लगा, उसमें आपने लूज क्या किया? आपके शरीर से जोर लगाने की क्षमता कम होती गई, यही तो लूज किया आपने। अगर आप बढ़ा लेंगे तो आपका बुढ़ापा डिपेंडेंट नहीं रहेगा, कम से कम। ये तो सबसे पहली चीज होनी चाहिए कि नहीं, बताइए। एज अ ह्यूमन बीइंग, दिस शुड बी द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहूं।
जिंदगी भर जब तक जिए इंडिपेंडेंट जिए, ये तो हर एक इंसान की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो डिपेंडेंसी किस पे हो, कैसे हो आ जाती है? जब आपका शरीर कोई एफर्ट नहीं कर पाता तो किसी और को वो काम करना पड़ता है। बूढ़े लोगों को, उम्र दराज लोगों को कुंभक कंपलसरी होना चाहिए ताकि वो इंडिपेंडेंट रह पाए। आजकल सभी हॉस्पिटल में जाके प्राण त्याग रहे हैं ना, ये नहीं होना चाहिए। दिस इज अ वर्स्ट काइंड ऑफ डेथ पर्सन कैन गेट। अगर कुंभक करेंगे ऐसे लोग भी आपको, आप हो सकते हैं जो अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त हो। कंट्रोल तब तक रहे जब तक कि आपका शरीर छूट ना जाए, ऐसा कुंभक से ही पॉसिबल। तो उम्र दराज लोगों को कुंभक जरूरी करना चाहिए। चाहे आपके कितने ही बच्चे हों, ये ना सोचें कि अरे बच्चे संभाल लेंगे। आपको मालूम नहीं जोर लगाने में तकलीफ होती है। जब आपको तकलीफ हो रही है तो आपके बच्चों को भी होगी, और ये प्रकृति का नियम है। तो हेल्दी प्राण त्याग हो, ये तो मिशन चलना चाहिए। इसके ऊपर सभी कुंभक करेंगे तो ये देख, कम से कम ये इंश्योर कर पाएंगे कि उनकी तकलीफ कम हो जाएगी, डिपेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी, अनलेस एंड अंटिल देयर इज अ रियल डिफिकल्ट सिचुएशन। मगर जितना जल्दी हो अपने को संभालने की कोशिश करें, उतना जल्दी इंश्योर कर पाएंगे कि यू बिकम इंडिपेंडेंट एंड डू नॉट गो टू हॉस्पिटल टू डाई। The next question is, I have maximum heart rate of 149 per minute. Should I work on reducing my heart rate by Kumbh therapy? कुंभक कंट्रोल मैकेनिज्म है किसी भी फंक्शन का। तो या तो आपको बढ़ाना है कुछ, या तो आपको घटाना है। आपको दोनों ही तरीके से वो जो कंट्रोल मैकेनिज्म है वो यूज करना पड़ेगा। अगर आपका हार्ट रेट बहुत ज्यादा है, एक सिंपल की टिप तो मैं अभी दे देता हूं, मगर टिप से ना सॉल्यूशन नहीं मिलता। बट क्या है, थोड़ा सपोर्ट मिल सकता कभी कभी। बिना कुंभक किए ये टिप काम नहीं करेगा, मगर फिर भी टिप दे देता हूं। जितना लंबा हो सके इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप देखेंगे आपका हार्ट रेट थोड़ा धीरे धीरे कंट्रोल में आएगा। मगर फिर दोबारा से कह रहा हूं, जो कंट्रोलिंग की जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, तब तक ये चीज इतना काम नहीं करेंगे। आप ड्रॉप कर दोगे इसको, स्लो डाउन कर दीजिए अपने आप को। अपने इंटरनल फंक्शंस को तो आप नहीं कंट्रोल स्लो डाउन कर पाएंगे बिना कुंभक किए, मगर ऐसे अगर चाहें तो अपने आप को स्लो डाउन करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि हार्ट रेट पे थोड़ा, थोड़े समय के लिए थोड़ा कंट्रोल आ सकता है। पांडे जी इज आस्किंग क्वेश्चन अगेन एंड अगेन. आई एम स्मोकर, कैन आई डू कुंभ विदाउट लीविंग स्मोकिंग एंड शेल माय मेडिसिन बिफोर कंडीशंस? देखिए, ये एक भ्रांति है कि स्मोकिंग गलत होता। सभी को स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, और सभी को ऐसा नहीं है कि सभी को ड्रॉप करना चाहिए, क्योंकि कई लोगों को स्मोक करने से उनके शरीर में सपोर्ट मिलता है। आयुर्वेद के नियम के हिसाब से जो तंबाकू होता है ना, उसकी एक क्वालिटी है, वो वात को रोकता है, ठीक है ना। तो जो वात प्रकृति जिनकी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, बड़ी है, कषाय अगर आप टेस्ट समझे ना, कषाय तंबाकू सबसे कषाय टेस्ट का होता है, और कषाय एकदम से वात को पकड़ता है।
कई लोगों को ये बड़ी मदद कर पहुंचाता है। ऐसे ही आप नहीं छोड़ना चाह रहे ना, आप नहीं छोड़ना चाह रहे, क्यों नहीं छोड़ना चाह रहे? आपके शरीर को कहीं ना कहीं तो फायदा हो रहा होगा, ठीक है ना? तो पहली बात, तंबाकू छोड़ दो सीधे सीधे कहना ये गलत बात है। जब तक कि आप उसके उसके जो सपोर्ट मिलता है उसकी जरूरत ना पड़े आप, तो अगर अपने अंदर वो स्ट्रेंथ बिल्डअप कर रहे हैं, जो आपको सपोर्ट तंबाकू से मिलता है वही सपोर्ट आपका शरीर अपने आप दे दे अपने आप को, तो अपने आप ही छूट जाएगा तंबाकू। थोड़ा सा संकल्प करते ही छूट जाएगा, वरना तो कुछ भी करें नहीं छोड़ पाएंगे। अच्छा, दवाई खा रहे हैं और मैं जैसा बता रहा हूं कि शॉर्ट टर्म खाना चाहिए, उसके बाद भी साइड इफेक्ट होता है ना, मगर साइड इफेक्ट को कौन झेल पाएगा? आपका शरीर ही तो झेल लेगा, उसकी झेलने की क्षमता बढ़ा दीजिए, साइड इफेक्ट कम होगा। तंबाकू से आज के टाइम पे ज्यादा लोगों को नुकसान होगा। क्यों होगा? क्योंकि शरीर बहुत कमजोर हो गया, तो झेल नहीं पाएंगे। अगर एक झेल पाएंगे तो आपने सुना होगा 90 साल के लोग तंबाकू पिए, पूरे जिंदगी भर कुछ भी नहीं हुआ उनको, है कि नहीं? 90 90 साल जिए, 100 100 साल जिए। लेकिन एक बात तो हम सबको समझना ही पड़ेगा ना, आप कुछ भी कर रहे हैं अगर उसका कोई साइड इफेक्ट है, क्योंकि एडिक्शन तो कोई ना कोई नुकसान लाएगा ना भाई। कभी कभी तंबाकू पी लिया तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एडिक्शन हो गया और हेवी स्मोकर हो गए तो शरीर कब तक झेलेगा? तो झेलने की क्षमता तो आपको बढ़ा लेनी चाहिए, तो उससे क्या होगा? तंबाकू का नुकसान कम होगा। पहली बात तो ये, आदत भी लगी हुई है, आप छोड़ नहीं पा रहे, तो क्या होगा कि उसका नुकसान कम होगा, झेलने की क्षमता बढ़ेगी। तो एक बार संकल्प करके कभी आप छोड़ भी सकते हैं, नुकसान नहीं होगा। अगर सडनली अभी छोड़ दिया तो हार्ट अटैक आ जाएगा, ऐसे बड़े लोग हैं। तो पहले अपने बॉडी को, ऑर्गन को स्ट्रांग कर लें, अपना टॉलरेंस बढ़ा लें। पहली चीज क्या होगी? उसका जो नुकसान होगा वो कम हो जाएगा। दूसरी चीज क्या होगी? आपके अंदर वो क्षमता आ जाएगी जहां पे आपको इच्छा नहीं होगी। हमारे पास में लोग आते हैं वो हैवी ड्रंकर्ड, बहुत ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, फिर कहते हैं कुंभक करने के बाद इतनी इच्छा ही नहीं होती अब हमारे, क्योंकि जो सपोर्ट आपको वो चीज दे रही है वो आपका शरीर खुद ही क्रिएट कर रहा है, अब आपको जरूरत नहीं है। तो बिना क्या आप बिना छोड़े कुंभक कर सकते हैं? आप कुंभक करिए, उसके बाद छोड़ना नहीं छोड़ना वो आप देखिए, दैट इज योर थिंग, लेकिन कुंभक करो। लास्ट क्वेश्चन स्वामी जी, आई हैव बाईपास सर्जरी ऑलरेडी डन 15 मंथ्स बैक एंड डॉक्टर आर नाउ सेइंग 2 ब्लॉकेजेस मोर एंड रिकमेंडेड पीसीआई, शुड आई गो फॉर दैट एंड विल कुंभक बी हेल्पफुल फॉर मी? देखिए, वी आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ एन एंजियोप्लास्टी, एनी काइंड ऑफ बाईपास सर्जरी हम तो नहीं कर रहे ना, जो हम दवाई भी आपको नहीं दे रहे। तो दवाई के लिए आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं, सर्जरी के लिए हमसे क्यों पूछ रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, सर्जरी ट्रीटमेंट नहीं होता, तो आप सर्जरी कराएं चाहे नहीं कराएं, दैट इज नॉट अ ट्रीटमेंट। बाईपास तो आपका शरीर खुद भी कर लेता है, हार्ट खुद कर लेता है बाईपास। क्या आपको मालूम है सर्जरी भारत की देन है दुनिया को? सर्जरी आयुर्वेद की देन है दुनिया को, लेकिन पूरे आयुर्वेद में हार्ट की सर्जरी के लिए मना किया गया। हर तरीके की सर्जरी रेकमेंड कर रहे हैं, ब्रेन की सर्जरी रेकमेंड कर रहे हैं, हार्ट की सर्जरी रेकमेंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हार्ट की सर्जरी सबसे गलत चीज आ गई है। हार्ट अपने आप अपने को एडजस्ट कर लेता है, अगर आप थोड़ा सा दर्द सह लेंगे कोलेटरल खुल जाते हैं अपने आप। ब्लॉकेजेस से कभी भी हार्ट अटैक नहीं आता है, ये आपके दिमाग में बैठाया गया है। प्रूफ नहीं है इसका कोई कि ब्लॉकेजेस से हार्ट अटैक आता है, कोई प्रूफ नहीं है। 90% आपको ब्लॉक बताएंगे तो क्या 1 महीना पहले 90% नहीं था? तो ब्लॉकेजेस से हार्ट अटैक आता ही नहीं है। स्किन रप्चर,
या ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन से आता है। अब ये बात मैं बोलूंगा, आपको समझ में आएगा नहीं आएगा, मानेंगे नहीं मानेंगे, 10 साल बाद एलोपैथी बोलेगी तो मान लेंगे। आज तो कोलेस्ट्रॉल का नैरेटिव चेंज कर दिया ना, मगर शायद आप तक खबर नहीं पहुंची। कोलेस्ट्रॉल इज गुड, कोलेस्ट्रॉल इज नॉट बैड। 40 साल तो दवाई खिला दी, अब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो कल को ये कहेंगे कि बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी इज अनसाइंटिफिक, फिर आपके साथ में जो हुआ वो क्या हुआ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो जरा समझिए, क्या सर्जरी के लिए जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? तो एक काम करो, मैं आपको वो तो नहीं बोलूंगा कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो तो पूरा गेम है एक बहुत बड़ा, उसमें तो बीच में नहीं घुसना चाहते हम। क्या बोलना चाहते हैं, सर्जरी अगर आप थोड़ा सा आगे पुश कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे, तो कम से कम 3 महीना अपने शरीर पे काम कर लीजिए, आपको सर्जरी की जरूरत नहीं होगी, ऐसा ज्यादातर चांसेस होंगे। कुछ चांसेस में अगर आप जा भी रहे हैं सर्जरी के लिए, तो क्या होगा उसका नुकसान और रिहैबिलिटेशन बहुत फास्ट होगा। नुकसान कम होगा, रिहैबिलिटेशन फास्ट होगा, ठीक है ना? तो मैं क्या कह रहा हूं कि दोबारा से ब्लॉकेजेस नहीं बने। अभी तो एक बार के बाद दूसरी बार, दूसरी के बाद तीसरी, ऐसा चलता जाएगा ना, क्योंकि आपने ब्लॉकेजेस ना बने इसके लिए तो कोई उपाय किया ही नहीं। आप सोच रहे हैं मैं तो दवाई खा ले रहा हूं तो ब्लॉकेजेस नहीं बनेंगे, और ज्यादा बनेंगे, बल्कि आप देख लो इतने ब्लॉकेजेस कौन सी जमाने में, कौन सी दुनिया में होते थे बता दो। तो हमारे तो सारे पूर्वजों को पहले ही मर जाना चाहिए था, 1000 साल पहले ही मर जाना, 1 लाख साल पहले ही मर जाना चाहिए था, क्योंकि उनका बाईपास सर्जरी तो किसने किया ही नहीं। बहुत क्वेश्चन है, आप लोग समझदार हैं, आप लोग भारतीय हैं, दुनिया के सबसे समझदार लोग हैं, प्रॉब्लम यह है पढ़ लिख गए आप लोग, इसलिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे। बुद्धि का इस्तेमाल करें, आपको खुद समझ में आएगा, कम से कम अपने हार्ट को मजबूत कर लो, इतना तो कर लो, हार्ट को कभी सर्जरी की जरूरत नहीं होती है। Most questions coming to you. He's saying, I have there is a plaque buildup as per cirrhosis in arteries. Will that reduce? Rajkumar D. प्लाक इज नॉट अ प्रॉब्लम, दैट इज वॉट आई वॉज सेइंग। देखो ये शब्द बोल लेने से, एथरोस्क्लेरोसिस बोल लेने से ये ठीक नहीं होता, अंग्रेजी के वर्ड बोलने से इंटेलिजेंस नहीं बढ़ जाता किसी का। प्लीज अंडरस्टैंड कि आपको जितने नए नए शब्द सिखाए जा रहे हैं उससे आप ठीक नहीं होने वाले। क्या एथरोस्क्लेरोसिस प्रॉब्लम नहीं होता है? फिर से बोल रहा हूं, सो अब और आसान से बोलूं मैं कैसे इसको निकालना है। आपके जूस के पाइप में पल्प फंस गया जी, कैसे निकालोगे बताओ? सर्जरी करोगे उसका या जरा सा जोर लगाएंगे तो निकल जाएगा, थोड़ा फूंक मारेंगे जोर लगाएंगे प्रेशर बिल्ड करेंगे निकल जाएगा, अपने अंदर अगर प्रेशर ठीक कर देंगे ठीक हो जाएगा। ये बहुत आसान है, मगर आसान भाषा में बोल के ना, छोड़िए अभी क्या बोलूं सॉल्यूशन बड़ा आसान है, सॉल्यूशन बड़ा आसान है। Maybe that's all the questions are. So last concluding statement is that homework therapy is the only solution for whatever problems you have said regarding the heart care and BP. Take the chance. It is the only chance available. For you. Thank you so much for joining the webinar. And please type your questions if at all there is any left. And do ensure that you leave your numbers in case you want to speak with the mentors.